दोस्त, आजकल के लोगों में वेरिकोसिल की समस्या काफी ज्यादा होने लगी है और लोगों के मन में ये डाउट्स रहते हैं कि वेरिकोसिल का क्या आखिरी इलाज ऑपरेशन ही है या होम्योपैथिक दवाओं से ही वेरिकोसिल ठीक हो जाता है, या वेरिकोसिल का ऑपरेशन करवाने के बाद भी आपको दोबारा से ये हो सकता है, और क्या वेरिकोसिल का ऑपरेशन करवाने के बाद आपके स्पर्म काउंट पे असर पड़ सकता है। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले थे। इसके लिए आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि बिना ऑपरेशन वेरिकोसिल को कैसे ठीक करें, जिसमें अधिकतर वीडियो में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि आपका वेरिकोसिल बिना ऑपरेशन ठीक हो जाए। तो आज हम आप सभी लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देंगे जो वेरिकोसिल से पीड़ित हैं या जिनको अभी अभी वेरिकोसिल की शुरुआत हुई है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हमने पहले से ही वेरिकोसिल की वीडियो बना रखी है। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे वेरिकोसिल के प्रॉपर गाइडेंस के बारे में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जानना होगा कि वेरिकोसिल क्या है। वेरिकोसिल को लेकर लोगों के मन में काफी सारे डाउट्स भी रहते हैं। हो सकता है आपको वेरिकोसिल ना हो, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको ऑर्काइटिस या एपिडर्मिटिस है। उनको बस यही लगता है कि ये वेरिकोसिल है। तो आप भी इस कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि तीनों बीमारियां ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। वेरिकोसिल, ऑर्काइटिस, एपिडर्मिटिस, ये तीनों बीमारियां अलग अलग हैं, इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो आप इसको लेकर कंफ्यूज ना रहें। वेरिकोसिल में जो मेल स्क्रोटम होता है उनके अंदर टेस्टिस होते हैं, उनके ऊपर से जो वेंस निकलती है, टेस्टिस के ऊपर से जो वेंस निकलती है, उनमें सूजन आ जाने की वजह से, उनमें इनलार्जमेंट हो जाने की वजह से मरीज में सूजन दिखाई देने लगती है, क्योंकि वाल्व्स कमजोर हो जाने की वजह से जो वेंस में जो वाल्व्स लगे होते हैं, बहुत सारे वाल्व्स होते हैं, वो कमजोर हो जाने की वजह से ब्लड का फ्लो बैकवर्ड होने लगता है। यानी जो फ्लो टेस्टिस से लेके ब्लड जो हार्ट को जाता है, वो ब्लड प्रॉपर जा नहीं पाता है, वो फिर वापस से लौट जाता है टेस्टिस की तरफ। तो इसीलिए वो उन वेंस में सूजन आ जाती है, उनमें एनलार्जमेंट हो जाता है। तो इन कारण से आपको वेरिकोसिल हो सकती है। वेरिकोसिल होने का रीजन अभी तक क्लियर पता नहीं चला है, लेकिन अगर आपके टेस्टिकुलर वेंस में जो वाल्व्स लगे होते हैं वो अगर कमजोर हो जाएं, तो वही आप में सूजन दिखाई देने लगती है, वो फूलने लगती है, तो जिसे हम वेरिकोसिल बोलते हैं। या फिर आपको हो सकता है कोई और क्रॉनिक डिजीज हो जिसकी वजह से आपको वेरिकोसिल डेवलप हो गई है, जैसे DVT, डीप वेन थ्रम्बोसिस हो गई है, या कहीं आपका ब्लड क्लॉटिंग हो जाने की वजह से, वेंस में थक्का जमने की वजह से, खून का थक्का जब जम जाता है, तो उस वजह से आपको वेंस में सूजन आ गई है, तो इन बीमारियों की वजह से आपको वेरिकोसिल हो सकती है। या जिनकी उम्र 15 से 25 साल के बीच की होती है, उनमें ये ज्यादातर देखा जाता है। तो अगर आपको डाउट है कि आपको वेरिकोसिल है, तो इसकी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको वेरिकोसिल है। तो अगर आपको डायग्नोसिस के बाद कंफर्म हो जाता है कि आपको वेरिकोसिल है, तो आपको सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि वेरिकोसिल ऑपरेशन से ही ठीक होता है। बिना ऑपरेशन के ये ठीक होता ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में नहीं है, वो आपको ऑपरेशन का ही सलाह देंगे। तो ऑपरेशन बिल्कुल ही ना कराएं, आप होम्योपैथिक में एक बार ज़रूर ट्राई करें, होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें एक बार। तो अगर आपका वेरिकोसिल फर्स्ट या सेकेंड ग्रेड का है, तो ये होम्योपैथिक दवाओं से 1 से 3 महीने के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको थर्ड या फोर्थ ग्रेड का वेरिकोसिल है, तो ये 3 से 6 महीने के अंदर होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हो जाता है। अगर आपको कन्फर्म हो जाता है कि आपको वेरिकोसिल है, तो तुरंत आप ऑपरेशन के लिए ना जाएं, सबसे पहले आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें। लेकिन फिर भी आपका वेरिकोसिल ठीक नहीं होता है, तब आप जाके वेरिकोसिल का ऑपरेशन करवा सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन लें, तो हमने इस पे वेरिकोसिल की होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हुई है, वीडियो बहुत सारी बनाई है, आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है वेरिकोसिल का, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आज हमने आपको वेरिकोसिल के बारे में पूरे डिटेल में बता दिया, जो भी कन्फ्यूजन था आपको डिटेल में हमने बता दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।